हरियाणा सरकार प्रदेश के युवाओं के लिए सरकारी नौकरियों का पिटारा खोलने जा रही है। जी हां, अगले 3.5 महीने में कुल 60,000 पदों पर सरकारी नौकरियों की भर्ती निकलने वाली है। खट्टर सरकार ने युवाओं को लगभग सभी सरकारी विभागों में भर्ती करने का फैसला किया है। यानी सरकारी नौकरी का सपना देख रहे प्रदेश के युवाओं के लिए अगले 3.5 महीने बेहद ही शानदार रहने वाले हैं। प्रदेश में निकलने वाली बंपर सरकारी नौकरियों की जानकारी हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के अध्यक्ष भोपाल सिंह खत्री ने दी है। उन्होंने बताया है कि सभी सरकारी विभागों में विभिन्न पदों पर 60,000 कर्मचारी भर्ती किए जाने हैं। इसमें पुलिस विभाग में कुल 6,000 पदों पर भर्ती की जानी है। वही शिक्षा क्षेत्र में TGT के 7,441 पदों के लिए भर्ती होगी। इसके अलावा हरियाणा सरकार सी श्रेणी के 32,000 और डी श्रेणी के 15,000 पदों के लिए भी अप्रैल 2024 तक भर्ती प्रक्रिया पूरी करेगी। हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के अध्यक्ष भोपाल सिंह खदरी ने बताया कि पुलिस भर्ती की लिखित परीक्षा में 20% प्रादेशिक सवाल होंगे, जबकि अन्य सरकारी विभागों संबंधित प्रश्न पत्रों में 25% प्रादेशिक सवाल होंगे। वही संबंधित सरकारी विभागों द्वारा भर्ती की पहले से तैयारी जारी है। अब आगामी चंद दिनों में भर्ती के लिए स्टेप बाय स्टेप प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। बता दें, हरियाणा सरकार ने अप्रैल महीने तक सभी सरकारी विभागों में 60,000 पदों पर भर्ती के लिए कुल 63 ग्रुप भी बनाए हैं। इनमें से 25 ग्रुप की भर्ती परीक्षा समेत अन्य आवश्यक प्रक्रिया 14 जनवरी तक पूरी करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इधर आपको ये भी बता दें कि बीती 10 जनवरी 2024 को भी हरियाणा लोक सेवा आयोग द्वारा जेल विभाग, बागवानी विभाग, निर्वाचन विभाग और महिला एवं बाल विकास विभाग के विभिन्न पदों के लिए ज्ञान परीक्षा ली गई थी। तो कुल मिलाकर देखें तो आने वाले मात्र 3.5 महीने में ही 60,000 विभिन्न पदों पर सरकारी नौकरी के लिए भर्ती होने वाली है, जो कि प्रदेश के बेरोजगार युवाओं के लिए और सरकारी नौकरी की तैयारी करने वाले युवाओं के लिए एक राहत भरी खबर है। साथ ही इन भर्तियों से कहीं ना कहीं BJP को भी चुनाव में फायदा होने वाला है। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसी तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहे न्यूज़ ब्रॉडकास्ट 24। नमस्कार।